राशन कार्ड बनाने के नाम पे दलाल लूट रहे हैं लोगों को, पैसे ले रहे हैं उनको मगर टाइम पे राशन कार्ड बना कर नहीं दे रहे। तहसीलदार साहब की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, तहसीलदार साहब भी जो है तो ध्यान नहीं दे रहे, उनका क्या है मामला पता नहीं। उनके लिए भी हम जो है तो निवेदन देने वाले हैं और वहाँ पे भी बहुत से हमारे पास पुरावे हैं, वो भी पुरावे तहसीलदार साहब के सामने हम पेश करेंगे। कूपन जो है तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जो है तो कूपन बनाना बंद हो गया, कुछ बहाने बना रहे, कुछ गरीब लोगों का ने कूपन नहीं है और जो करोड़पति लोगों का ने कूपन है जिसको कोई राशन की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े गाड़ियाँ करोड़ों के जो लोगों का ने है, हमारी कलेक्टर साहब से ये विनंती है कि भाई वो लोगों के कूपन जो है तो रद्द कीजिए और जो गरीब लोग हैं जिसका ने कूपन नहीं है वो लोगों को कूपन दिया जाए और ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन नहीं होगा तो लोगों का नुकसान होगा और उसमें जो है तो जो दो नंबर वाले जो कूपन दुकान वाले हैं उनका फ़ायदा हो रहा है और गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। योगच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात आले आहे की नांदेड तहसीलमध्ये जे काही स्वस्त धान्य दुकान आहेत त्या दुकानांतर्गत जे गरीब लोकाला राशन भेटते आणि तहसीलमध्ये जे काळा बाजार चालू आहे आणि दलालामुळं जे गोरगरिबांना लुटण्याचं काम करत आहे याच्यावर माननीय तहसीलदार काही ॲक्शन घेत नाहीत आणि जर हे लवकरात लवकर बंद नाही झालं तर राष्ट्रवादी युवकच्या वतीने जे कोणी अधिकारी असतील त्यांना काळं फासून त्यांचा जाहीर निषेध तहसीलमध्ये करण्यात येईल, प्लस त्यांची नांदेडमध्ये कुठेही त्यांना आम्ही फिरू देणार नाही। ही कडक आमच्यातर्फे तुम्हाला एक धमकी म्हणा, चेतावणी म्हणा, काही म्हणा, गोरगरिबांना जर तुम्ही लुटून खाण्याचा प्रयत्न करत असाल दलालामार्फत हे आम्ही कधी सहन करणार नाही, हे राष्ट्रवादी युवक म्हणून सांगतो। खामळे साहेब थांबा, एक मिनिट खामळे साहेब मागे रे थोडं। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस नांदेड़ शहर के तरफ से एक जिलाधिकारी कार्यालय में एक कलेक्टर साहब को हमने मुलाकात करके एक निवेदन दिए और कलेक्टर साहब को ये बताया कि स्वस्थ धान्य दुकान जो कूपन राशन दुकान के जो घोटाले चल रहे, कई ज़माने से मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, कई न्यूज़ में कई दुकान वाले लफड़े करते हैं, कई गरीब लोगों को अनाज नहीं देने के बावजूद भी प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता। तो आज हमने कई लोग हमारे पास आ रहे कि भाई हमारे को जो है तो हमारे पास कूपन है, राशन कार्ड है, हम बहाना बना रहे कि भाई तुम्हारा अंगूठा च नहीं आ रहा, ऑनलाइन ही नहीं है, ऐसा छे वैसा छे, अमुक ढमुक बोल के लोगों को ये बताया जा रहा कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऑनलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा बोल के लोगों के अनाज नहीं दिया जा रहा और वो ब्लैक के अंदर वो अनाज जो भेज दिया जा रहा, तो इससे दिशा भूल कर रहे लोगों की। और कई गरीब लोग हमारे पास आके कहीं रो रहे कि भाई हमारे को इतने दिन से दिए नहीं, उतने दिन से दिए नहीं, कोरोना के अंदर भी कई लोगों के नाम लिखे, कुछ लोगों को जब भी दिया गया किसको नहीं दिया गया, लेकिन आज जो है तो कुछ ज़्यादा ओवर हो गया है। ओवर होने की वजह से हम लोग आज आए, अगर ये दुकान वाले पूरे सही नहीं हुए, तो हम अगर पूरे सही नहीं और सही तरीके से काम नहीं किए, लोगों को गरीबों को अनाज नहीं दिया गया, तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से साकड़ी उपोषण बेमुद्दत का चलेंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई, जब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक हम उपोषण से उठेंगे नहीं। कलेक्टर साहब को हमने बताया, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि सब पे कार्रवाई होंगी, खाली जो हमारे कुछ लोगों के पास पुरावे हैं वो पुरावे भी हम कलेक्टर साहब को देने वाले हैं, उसके बाद जो है तो जो कार्रवाई होंगी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बिल्कुल पूरी ताकत से जो है तो साकड़ी उपोषण करेंगे, जो करना है हमें आंदोलन करना है हम करेंगे।